खुश अमीगुस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैं हूँ सालामांका और मैंने कहा था मैं जा रही हूँ एक दूसरे बड़े शहर स्पेन के। तो मैं हूँ स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में और आज हम घूमने जा रहे हैं मैड्रिड जो कि कैपिटल है, और देखते हैं कैसा है यहाँ पर। एक्चुअली भरा हुआ है ये शहर, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, बहुत सारे लोग हैं, तो देखते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैपिटल सिटी से। बहुत सारे एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर्स, पता नहीं क्या क्या जा रहा है। आधे घंटे से बस यही देख रहे हैं सब लोग कि क्या हो रहा है। तो मैं उनको ये बताना चाह रही थी कि क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ और मेरी मीटिंग है यहाँ के राजा के साथ में, तो यार इतना सिक्योरिटी तो उनको करना ही पड़ता है ना। तो बस यही है, मीटिंग है अभी अभी, वो पहुँचने ही वाले होंगे, तो हम जाएँगे रॉयल पैलेस और मिलेंगे यहाँ के राजा से। तो जोक्स अपार्ट में बताने वाली थी कि यहाँ पर आज भी मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, लेकिन यहाँ पे राजा का भी अपना ही टशन है, उनके पास पावर है। और जो उनका पैलेस है वहाँ पर वो आज भी ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो हम लोग जाकर के देखेंगे अभी कि कैसा है और फील लेंगे मैड्रिड का। सबसे महंगी और फेमस स्ट्रीट पे जिसका नाम है ग्रैंड विया, ग्रैंड मतलब कि बिग, मेजर, मेजर स्ट्रीट। तो यहाँ पर है कैफे, रेस्टोरेंट्स और महंगे महंगे ब्रांड्स के शोरूम्स, और मोस्ट फेमस एलकॉट इंग्लिश वो भी यहीं पर है इस स्ट्रीट के एंड पे। तो देखते हैं। बढ़ रहे हैं पुएर्टा द सॉल यानी कि गेट ऑफ सन की तरफ, और उस जगह को किलोमीटर ज़ीरो भी कहते हैं क्योंकि वहीं से पूरे स्पेन की जो भी मैड्रिड की जो भी स्ट्रीट है, जो भी जगह है, वहीं से शुरू की जाती है, वहीं से नापी जाती है। तो वो ज़ीरो स्टॉप है, उसके बाद में किलोमीटर्स काउंट किए जाते हैं। थोड़ी सी भूख, और यहाँ पर दिख रहा है इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है इंडियन एक्सेंट। तो चल कर के देखते हैं कैसा है रेस्टोरेंट और कुछ खाते हैं यार इंडियन। Thank you.
और मैंने देखा ये मेरे पीछे स्टैचू, इसकी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी थी, वो ये है कि ये स्टैचू एक क्वीन यूजेनिया का, जो कि ब्रिटिश की प्रिंसेस थी, और उन्होंने शादी की स्पेन के अल्फोंसो 8 से, और अपने वेडिंग वाले दिन वो यहाँ से गुजर रहे थे स्ट्रीट से, तो जो पालकी होती है उसमें लेके जाया जा रहा था, और किसी, क्योंकि स्पेन के लोगों को वो पसंद नहीं थी रानी, तो वो उसको मारना चाहते थे, और ऊपर बिल्डिंग से उन्होंने बॉम्ब फेंका ताकि वो मर जाए। लेकिन राजा ने क्या किया, राजा मतलब अपने बातों में मग्न थे और उनसे रानी से कह रहे थे कि देखो वो वहाँ पर चैपल है, वहाँ पर वर्जिन मैरी है, तो वो उनको साइड दिखा रहे थे, मैं आपको भी दिखाती हूँ वो चैपल। तो जैसे ही रानी ने उधर की तरफ देखा तो वो बॉम्ब दूसरे साइड पर जाके गिरा और उनको नहीं लगा और वो बच गई, और इसीलिए ही यहाँ पर उनका स्टैचू बनाया गया है उनकी याद में। जैसा हमने देखा था सालामांका में वैसा ही है यहाँ पर भी, बस एक नया मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर एक स्टैचू है, और वैसे ही कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और ये है पलाजा मायोर मैड्रिड का। रेस्टोरेंट में जिसका नाम है शीशा, तो यहाँ पर भी जा रही है चाय, मोरक्कन समथिंग, पता नहीं उसका, उसमें कुछ लिखा है मोरक्कन रेस्टोरेंट है। तो ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं इजिप्शियन टेंपल, जो इजिप्शियन गवर्नमेंट ने स्पेन को गिफ्ट किया था। सोचो यार, टेंपल भी गिफ्ट हो सकता है, तो वो इसलिए किया था क्योंकि स्पेन ने, मुझे याद नहीं किस सेंचुरी में, इस टेंपल को फ्लड से बचाया था, इसलिए इसे गिफ्ट किया गया, और ये काफ़ी सालों से यहाँ पर है। Thank you.
यहाँ पर ये स्कूटर्स है जिनको रेंट पे लिया जा सकता है, और ऐसा स्कूटर तो मैंने पहली बार देखा है। तो हम देखेंगे कि हम 2 दिनों में क्या क्या विजिट कर सकते हैं मैड्रिड में। सेंट्रू जो कि मैड्रिड का सिटी हॉल है। तो ये है मेरे पीछे प्लाजा दे ला अल्काला, मतलब कि अल्काला गेट, और ये जो स्क्वायर है इसका नाम है प्लाजा दे ला इंडिपेंडेंसिया, मतलब इंडिपेंडेंस स्क्वायर। और ये दिखने में थोड़ा सा इंडिया गेट जैसा दिख रहा है, और इसका जो एंट्री है ये मेन एंट्री है, यहाँ का जो फेमस अट्रैक्शन है एल रिटिरो पार्क, उसका एंट्री है। नेशनल म्यूजियम ऑफ प्राडू, बहुत ही फेमस म्यूजियम है, और इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, फेमस पेंटिंग्स यहाँ पर हैं, जैसे लक्ष्मी नैश, एडम एंड ईव, पिकासो, बहुत सारी और फेमस पेंटिंग्स हैं। हमारे रोनाल्डो की फ़ोटो यहाँ भी है, म्यूजियो द सेरा द मद्रिद वैक्स म्यूजियम। एल रतीरो पार्क जो कि यहाँ का फेमस अट्रैक्शन है, और बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत बड़ा पार्क है, इसके अंदर पैलेस भी है। तो चल करके देखते हैं हम लोग कैसा है। पार्क है यार, यहाँ पर मैं बैठी हूँ आराम से, और मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे ये सपेरा नहीं बजाता है वो, वैसा वाला साउंड आ रहा है। खूबसूरत पार्क के अंदर है ये लेक जहाँ पर बोटिंग भी की जा सकती है। अगर आप पार्क में आ रहे हैं तो अपना वाटर बॉटल अपने साथ में लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल, शायद 1 लीटर भी नहीं है, वो है 1.5 यूरो की।
और यहाँ है मेरे पीछे पलाजो क्रिस्टल पैलेस, जिसको पहले ग्रीन हाउस के रूप में बनाया गया था और अब आर्ट एग्जीबिशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ऐसा ही एक क्रिस्टल पैलेस पोर्टो में भी है, जिसका नाम एग्जैक्टली यही है, पलाजो द क्रिस्टल, और वो भी एक गार्डन के अंदर ही है। कभी मैं आपको वहाँ पर भी घुमाऊँगी। मनी हाइस्ट काजा द पपेल नेटफ्लिक्स की जो फेमस सीरीज है वो आपने ज़रूर देखी होगी। तो अगर आपको याद हो तो उसमें एक रॉयल मिंट था जहाँ पर वो लोग पूरा मनी छापते हैं सब कुछ, और ये वही रॉयल मिंट है। बिल्डिंग वो सेम नहीं है जहाँ पर शूटिंग हुई थी, लेकिन नेम रॉयल मिंट यही है। बाद में दोनों ही सिटी सालामांका और मैड्रिड मुझे बहुत खूबसूरत लगी और बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।